अस्सलाम वालेकुम, गडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं महक यूसुफ अभी आज की सबसे बड़ी खबर लेके हाजिर हूँ। अभी हम मौजूद है प्रताप पार्क श्रीनगर में, जहाँ अभी अभी जो है अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे जो है कायम की। इस स्टोन का नाम बलिदान स्तंभ रखा गया है, जिसको सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ भी कहा जा रहा है। इसको जो है इसका बनाने का जो मकसद है, वो जितनों ने भी बलिदान दिया है कश्मीर देश के लिए, जिन्होंने भी बलिदान दिया है, उनके लिए एक ट्रिब्यूट रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ इस तरीके से जो है इसको बनाया जाएगा, और जिन्होंने भी बलिदान देश के लिए दिया है उनका नाम जो है यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जब भी इससे पहले जो है जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, वो खासतौर जो है श्रीनगर में हुआ करते थे, और जब भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स का आगाज़ होता था, तो कहीं ना कहीं जो है प्रोटेस्ट होते थे और सब कुछ जो है यहाँ पर बंद हुआ करता था। लेकिन आज जो है मंजर कुछ अलग देखने को मिला। यहाँ पर सब खुले थे, दुकानें खुली थी, लोकल जो है लोग चले जा रहे हैं। अभी हम आपको फाउंडेशन स्टोन के पास लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा कुछ जो है ये बना हुआ है यहाँ पे। ये आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन स्टोन है, जिसका नाम बलिदान स्तंभ रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनके लिए, और जिन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है उनके लिए जो है ये बनाया जा रहा है। दो दिन दौरे पर आए थे जम्मू कश्मीर में, जहाँ कल वो SKICC गए थे वितास्ता इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए। अब जो है अभी वो यहाँ आए और काफ़ी 2 मिनट के अंदर ही जो है वो यहाँ से चले गए। बताया जा रहा है इसके बाद वो बालतल जाएंगे, जहाँ पे वो अरेंजमेंट्स देखेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए। ये थी आज की न्यूज़। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।